तो कल आपने किले वाली सीरीज शुरू की थी। मैंने बताया था कि 6 किले हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया हुआ है, जिनमें से 4 किलों के बारे में हम पढ़ चुके थे, एक गागरौन, एक चित्तौड़गढ़, एक कुंभलगढ़ और एक रणथंभौर। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हम एक किले के बारे में पढ़ेंगे, आमेर। मेरे से यदि कोई पर्सनली पूछे कि राजस्थान में सबसे सुंदर किला कौन सा है, तो यकीनन आमेर है। आमेर बहुत सुंदर बना हुआ किला है, बाकी बहुत पुराने किले हैं। देखो, दो चीज हुआ करती थी, एक होता किला, एक होता महल। किला सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था, महल उपयोगिता की दृष्टि से बनाया जाता था। किले में सिक्योरिटी का पॉइंट ज्यादा होता था, महल में यूटिलिटी एंड ब्यूटी का पॉइंट हुआ करता था। दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो किले हमेशा सुरक्षा के लिए बनते, इसलिए मोटी दीवारें बनाओ, उनके अंदर ऊंचाई पे बनाओ, उबड़ खाबड़ रास्तों पे बनाओ, बुर्जें बनाओ बड़ी बड़ी, अंदर सुंदरता के नाम पे उनमें कुछ भी नहीं हुआ करता था। महल रहने के लिए बनाता था राजा खुद के, इसलिए बहुत सुंदर हुआ करते थे। आमेर का किला कुछ ऐसा ही है, वो किला है पर महल क्या करती के अंदर बना हुआ है। एक तो बात ये याद रख लेना जो मैंने बताई, वही कोई पूछे राजस्थान का कौन सा किला महल की तरह बना हुआ है। कौन सा किला है जो महल की आकृति में बना, तो महल की आकृति में बना वो कोई किला है, तो वो कौन सा है? आमेर का किला। बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर। आप कभी आइए तो आमेर का किला देख के पक्का जाना आप। एक रीजन भी है कि ये महल की आकृति में क्यों बना दिया गया, तो इस किले का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। हालांकि कहते हैं कि काकिल देव ने जब यहां पर कब्जा किया था तो छोटा मोटा किला था यहां पर, छोटी मोटी गढ़ी रही होगी, इसलिए इसका नाम काकिलगढ़ भी है। और वास्तव में जिसको हम किला कहते हैं, उस किले की शेप देने वाला मानसिंह था। और मानसिंह के टाइम में मुगलों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, इसलिए उधर से आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। और चूंकि एक बड़ी शक्ति के साथ में आपके संबंध थे, इसलिए राजस्थान की बाकी रियासतों का भी डायरेक्ट हमले का खतरा नहीं था। इसलिए उन्होंने सुरक्षा का ध्यान थोड़ा कम ही रखा, उपयोगिता और सुंदरता, ब्यूटी एंड यूटिलिटी का ध्यान ज्यादा रखा गया, इसलिए बहुत सुंदर बनाया हुआ किला। तो महल आकृति में बना हुआ है, मानसिंह के टाइम बनाया गया था। चूंकि अपने पढ़ रहे हैं मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, तो राजस्थान के किसी किले पर सबसे अधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है, मुगल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, तो वो यही किला। इस किले पर बहुत शानदार वाला मुगल प्रभाव दिखाई देगा आपको। अच्छा, और पर राजा महाराजा फिर भी डरा करते थे, लगता कि यार खुदा ना खास्ता बाहर वाला तो हमला नहीं करे, खुद का ही कोई भाई भतीजा यहाँ के अंदर सलटा के चला जाए तो क्या करेंगे। तो कहा किले के अंदर बंदा मर्जी से आ सकता है, लेकिन बाहर अपनी मर्जी से नहीं निकलेगा। आमेर के किले में भूल भुलैया है, रास्ता यकीनन आप कभी अंदर घुस जाना, बाहर एक बार में तो निकल नहीं ही पाओगे, एक बार में तो नहीं निकला जाएगा आपसे इस किले से बाहर। ऐसी भूल भुलैया बनी हुई है कि आप अंदर घुस जाते हो लेकिन बाहर नहीं निकला जाता आपसे। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से किले में भूल भुलैया बनी हुई है, तो राजस्थान का वो जो किला है वो कौन सा किला है? आमेर का किला। तो सबसे पहले काकिल देव आया था, इसलिए काकिलगढ़ कहा जाता है। महल आकृति के अंदर बना हुआ है, सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था और इस किले में भूल भुलैया बनाई गई है। रास्ता इस प्रकार का बनाया गया कि आप जल्दी से किले से बाहर नहीं निकल पाते। अब आप देखो, प्रोल का चित्र लगाया मैंने, गणेश प्रोल, क्या सुंदर नक्काशी की हुई है, कितने सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है इसके ऊपर। देखो दीवाने आम, ये अब देखो ये मुगल प्रभाव, ये दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब मुगलों की विशेषता हुआ करती थी, पर अपने यहां पे किले में दिखाई दे रहा है। जहां राजा आम लोगों के साथ मिलता था वो दीवाने आम है, ये दीवाने खास है। शीश महल भी बोलते, शीशे का बहुत अच्छा काम हो रखा था इसमें, तो दीवाने खास है, या इसी को शीश महल कहते थे, इसको शीश महल भी कहा करते थे। ये भाई इतनी चीज। अब मैं थोड़ी सी बताता हूं आपको इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी हुई है। बिल्डिंग्स कौन कौन सी इसमें? दो तो यही आपके दीवाने आम और दीवाने खास है इसमें, दीवाने आम है, दीवाने खास है। इस दीवाने खास को बोलते हैं शीश महल, शीशे का बहुत अच्छा काम हो रखा है।
रानियों के लिए कुछ महल बनाए गए थे। एक तो जयपुर में बड़ी जोरदार विशेषता थी, महलों को ये लोग मंदिर बोलते थे। होते महल थे, नाम उनके मंदिर। आप याद कीजिए हवा महल की 5 मंजिलों के नाम, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। शरद मंदिर पे एक कोना बना हुआ जिसका नाम प्रताप मंदिर। तो मंदिर है मतलब महल है। यहां पर भी रानियों के लिए कुछ महल थे। सुख मंदिर, इंग्लिश वाले थोड़े ध्यान रखें, सुख टेंपल मत कर लेना, सुख मंदिर ही करना क्योंकि महल का नाम है। यश मंदिर, सुहाग मंदिर। मुगलों की एक विशेषता हुआ करती थी कि कोई इमारत बनाते उसके आगे बगीचे लगाते थे। चार बाग से ली, चार बगीचे एक साथ लगा दिए जाते थे। इसके बाहर भी बगीचे बने हुए, बगीचा है दौलाराम का बाग। दौलाराम का बाग बगीचा है केसर कैरी। केसर कैरी बगीचा है। बाहर एक पानी का जलाशय है माउथा। माउथा जलाशय, और मैंने कभी किसी पहले क्लास में बताया भी होगा कि इसी माउथा के किनारे संत दादूदयाल जी महाराज ने रज्जब जी को उपदेश दिए थे, जिनको सुनकर रज्जब जी ने आजीवन शादी नहीं की थी और दूल्हे के वेश के अंदर बने रहे थे। तो माउथा जलाशय इस आमेर वाले किले के बाहर ही, सांगानेर से आमेर की तरफ उनकी बारात जा रही थी रज्जब जी महाराज की, तब ये वाक्य वहां पर घटित हुआ था। राजा जहां आम लोगों से मिलता वो दीवाने आम, राजा जहां खास लोगों से मिलता दीवाने खास। शीशे का बहुत अच्छा काम होने की वजह से शीश महल कहलाता है। ये मुगल प्रभाव है। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, रानियों के महल बने हुए हैं। दौलाराम का बाग और केसर कैरी बगीचा। केसर कैरी बगीचा तो हालांकि थोड़ा बाहर की तरफ है, और माउथा जलाशय, माउथा पॉन्ड बना हुआ। कुछ बातें मैं पढ़ा चुका हूं। इनमें शिला माता का मंदिर है, बताई हुई बात। इनमें जगत शिरोमणि का मंदिर है, ये बात आपको बताई हुई। इसमें अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, ये बात आपको बताई हुई। तो दो तीन बातें बताई हुई आपको। तो आमेर के बारे में सिंपल सिंपल सी बातें याद रखना। आमेर का किला, काकिल देव जी सबसे पहले आए थे, काकिलगढ़ कहलाता है। मुगल प्रभाव सर्वाधिक है, महल आकृति में बना हुआ है, मानसिंह ने शुरू करवाया था। किले में भूल भुलैया है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, रानियों के महल, सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर है, दौलाराम का बाग और केसर कैरी बगीचा है, और माउथा जलाशय बना हुआ है। ये मोटी मोटी बातें याद रखें। आगे जैसलमेर, एक और किले की बात करें हम, जैसलमेर किले की बात करें। फिर मेरी कुछ बात बताई हुई कि 1155 में जैसल इस किले का निर्माण करवा था। भाटी राजा हुआ था जैसल, उसने किले का निर्माण करवाया था। त्रिकुट पहाड़ी है, इस त्रिकुट पहाड़ी पर यह किला बना हुआ। तो बात पे गौर करना आप। जब मैं कहता हूं त्रिकुट पहाड़ी है तो एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूं तीन कुंट की पहाड़ी है, और पहाड़ी का नाम नहीं है कोई त्रिकुट पहाड़ी, तीन कुंट की पहाड़ी है। तीन कुंट की पहाड़ी पे कोई किला बनेगा तो उसकी आकृति भी ट्रायंगुलर शेप में होगी, तो त्रिभुजाकार आकृति में किला बना हुआ है। त्रिभुजाकार आकृति में बनाया गया किला है। तो ये याद रखना कि जैसलमेर का जो किला है वो किस आकृति के अंदर बनाया गया, तो त्रिभुजाकार आकृति के अंदर किला बनाया गया। 1155 में जैसल ने किले का त्रिकुट पहाड़ी पर निर्माण करवाया था, इसलिए त्रिभुजाकार आकृति के अंदर बना हुआ किला है। हम अपनी तारीफें करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसलमेर का किला आप दूर से देखो तो इस प्रकार लगता है जैसे शेर अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। अंगड़ाई लेते शेर के समान। दिखाई देता है ये किला। किसी ने कहा यार थोड़ा ज्यादा ना हो गया, अंगड़ाई लेता शेर तुम कब देख के। तो हमने कहा चलो तो हम दूसरा बता देते हैं। दूर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे कोई जहाज समुद्र के बाहर अपने लंगर डाल के खड़ा हो। ये जहाज अभी अभी बंदरगाह पे लौटा है, अपनी रस्सियां उतारी है उसने, लंगर खोले है, समुद्र के पास में खड़ा है। किसी ने कहा समुद्र तुम्हारे जैसलमेर में समुद्र कहां से आ रहे। हमने कहा रेत का। तो दूर से देखने पर रेत के समुद्र में खड़े लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। रेत के समुद्र में
रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। हम कहते हैं साहब पीले पत्थर है, और पीले पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते हैं बहुत शानदार वाले, इसलिए गोल्डन फोर्ट है, स्वर्णगिरी का किला। स्वर्णगिरी किला कहलाता है। 1155 में भाटी राजा जैसल ने इस किले का निर्माण करवाया। त्रिकुट पहाड़ी पर त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ किला है। अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है क्योंकि पीले पत्थर सूरज की रोशनी के अंदर सोने की तरह चमकते हैं, आभा बिखेरते हैं अपनी। थोड़ी बातें और पढ़े हम। ठेठ बॉर्डर पे बना हुआ है। अबुल फजल कहता है कि वहां जाने के लिए आपके पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए। शरीर कीजे काठ कान, पग कीजे पाषाण, कोई बख्तर कीजे लोहे कौन, तब पहुंचे जैसाण। कि यदि आपको जैसलमेर तक पहुंचना है तो आपकी टांगे किसकी हो जानी चाहिए? पत्थर की। शरीर कीजे काठ का, शरीर लकड़ी का हो। पग कीजे पाषाण, आपके पैर पत्थर के बन जाए। बख्तर कीजे लोहे का, आपके कपड़े, आपके बख्तर, आपका कवच लोहे का, तब पहुंचे जैसाण, तब आप जैसलमेर तक पहुंच सकते हो। कोई पूछे कि किसने कहा था कि जैसलमेर के किले तक जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, तो अबुल फजल ऐसा कहता है। अबुल फजल के अनुसार पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। पत्थर की टांगे जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। ऐसा कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। कहते हैं इस किले के निर्माण में चूने का उपयोग नहीं किया गया था, लाइम जो है उसका प्रयोग नहीं किया गया। फिर मुझे लगता है यार चूने का उपयोग करेंगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पानी कहां से लाएंगे जैसलमेर के अंदर? किसी कवि ने क्या खूब ही कहा है कि धरती आज जैसाण रीन बढ़ती कदे ना, और जैसलमेर की धरती पे और कोई कभी कब्जा नहीं कर पाया था। धरती आज जैसाण री बढ़ती कदे ना, और पानी जठे पताल मर नारी नेणा कोर। कि पानी वहां दो ही जगह था, या तो जैसलमेर में पानी पताल के अंदर था, या महिलाओं की आंखों में था, इसके अलावा तो कहीं पे पानी था नहीं। तो भाई चूने का उपयोग करोगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की कमी थी इसलिए चूने का प्रयोग नहीं किया गया। कहते इसके एक दो महल है जिनकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, वुडन रूफ है। किले का जो परकोटा बना हुआ है ऐसे लगता है इसे घाघरा पहन रखा हो किसी महिला ने, घाघरा नुमा परकोटा है। डबल परकोटा बना हुआ है ऐसे लगता है इसे घाघरा पहन रखा हो महिला ने, घाघरा नुमा परकोटा है, तो नाम पड़ गया कमरकोट। जैसे जालिम सिंह ने बनवाया तो जालिम कोट, वैसे घाघरा नुमा परकोटा, ऐसे कमर में घाघरा पहना हुआ हो तो ऐसे लगता है इसे कमरकोट है। पहले क्या होता है जैसे किला बना हुआ है, किले के चारों तरफ परकोटा बना हुआ, तो परकोटे के पास पास में टावर बनाते थे। खूब टावर होते जिनमें बैठ के दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता था। ये जो टावर होते हैं इन टावर को बोलते थे बुर्ज। जैसलमेर के किले में राजस्थान में सबसे अधिक टावर बने हुए, सबसे अधिक बुर्ज है 99। कोई पूछे कि 99 बुर्जों वाला किला कौन सा था, तो 99 बुर्जों वाला कोई किला है तो जैसलमेर का किला है। तो याद रखना कि जैसलमेर किले में कितनी बुर्ज है 99, सर्वाधिक मैक्सिमम। कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जें किस किले में थी, तो सर्वाधिक बुर्जें जो थी वो जैसलमेर के किले के अंदर हुआ करती थी। कितनी बुर्जें थी, तो 99 बुर्जें इस किले के अंदर बनी हुई है। भारत के बहुत बड़े मशहूर फिल्म मेकर हुए हैं सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे को ये किला इतना पसंद आया था कि उन्होंने इस किले पे मूवी बना दी थी। सत्यजीत रे ने मूवी बनाई है, बड़ी बात है। सत्यजीत रे को ऑस्कर मिला हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट का, और मूवी का नाम ही रखा था सोनार किला, गोल्डन फोर्ट या सोनार किला के नाम से मूवी बना दी थी।
2009 के आसपास में ऐसी चर्चाएं थी कि किला गिर सकता है, तो भारत सरकार का और तो बस चला नहीं, तो 2009 में इसके लिए भी डाक टिकट जारी किया गया था। मुझे अब भी याद आता है कि 2009 के आसपास जब ये खबरें थी कि किला गिर जाएगा, तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो अक्सर बोला करते थे कि यार जैसलमेर के बारे में एक दुआ है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरोन, अरगढ़ बीकानेर, कोई बलोच, चिनायो, भाटियान, सिरागढ़, जैसलमेर, कि या तो दिल्ली का गढ़ है, या आगरा का गढ़ है, या बीकानेर का गढ़ है, या भाटियों ने ठेठ सीमा पे जाके कौन सा चुनवा दिया था, तो जैसलमेर चुनवा दिया था। वो अक्सर चेंज कर दिया करते, वो कहते यार अब इसको चेंज करो, गिरने वाला जैसलमेर तो, कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, चंदो करो भाटियान, दुड़े जैसलमेर, कि जैसलमेर दुड़ जाएगा भाटियों, अब चंदा कर लो इसका। पर जैसलमेर दुड़ा नहीं है अभी तक, वैसे वैसे अपने शानो शौकत के साथ खड़ा है। पुराने वालों ने भगवान जाने क्या कारीगरी दिखाई है, अपने इन पुराने किलों को देखकर तो उन लोगों की सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ही रस होता है, पर लगता है यार क्या बना के गए थे, क्या चीजें बनाई है उन लोगों ने कि आज दिन तक भी वैसे के वैसे खड़ी। यहाँ यार अब कितना भी किसी इंजीनियर से कहे के मकान बनवा ले, थोड़े दिनों में सीलन आ जाती है, थोड़े दिनों में उसमें दरार आ जाती है, लेकिन ये यार कोई गिरने का नाम नहीं ले रहे, कोई अपने आप में कहीं दरारें नहीं है इनके अंदर, कभी नहीं लगता कि ये गिर जाएंगे, ऊपर जर्जर हो गए, नहीं, उसी थाट के साथ खड़े। और सबसे बड़ी यार इतने ऊंचे पहाड़ पे बाटे लेके कैसे गए आप लोग, इतने ऊंचे पहाड़ पे बनाया कैसे गया होगा। तो वास्तव में अद्भुत परिश्रम किया था उन लोगों ने, रेगिस्तान को नखलिस्तान बनाने वाले अपने वो कोई लोग थे, तो वाकई इस मामले में तो धुरंधर रहे होंगे वो लोग। तो डाक टिकट जारी कर दिया गया था इस किले। इस किले में एक जिनभद्र सूरी भंडार है, याद रखना इस फैक्ट को। इस जिनभद्र सूरी भंडार में राजस्थान की प्राचीन जितनी भी हस्तलिखित पुस्तकें हैं, पांडुलिपियां, मैनुस्क्रिप्ट जितनी पड़ी है, वो सारी इस किले के अंदर है। ये प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है यहां पर। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है। परसोनाथ जैन मंदिर है, एक कुआ बना हुआ है जिसका नाम है जैसलू कुआ। कुएं का नाम क्या है, तो कुएं का नाम जैसलू कुआ। ऐसा कहा जाता है कि जैसलू कुआ तो इसलिए कहते हैं, सबसे पहले जैसल आया था जैसलमेर में, तो जैसल के नाम पर इस किले का नाम जैसलू कुआ पड़ गया। बाकी ऐसी पौराणिक कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन एक बार घूमते हुए यहां पर आए थे, और जब कृष्ण और अर्जुन घूमते हुए आए तो अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा भगवान को बिस्लेरी की व्यवस्था कर दो, थोड़ा ठीक रहे। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, सुदर्शन चक्र घुमा के यहां से पानी निकाल दिया। अर्जुन ने प्यास बुझाई कुएं के पानी से। अर्जुन ने फिर कहा कि भगवान बंद कर दो, अब अपने तो इतनी दूर रेगिस्तान में आ गए, बाकी यहां रेगिस्तान में कौन आएगा। भगवान कृष्ण बोले कि नहीं अर्जुन, एक दिन जो मेरे वंशज होंगे वो यहां पर आएंगे, और जब मेरे वंशज यहां पर आएंगे तब वो यहां का पानी पिएंगे। और हमें यदि उस बात को माने तो भाटी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, कालांतर में भाटियों ने उस जगह पे राज किया था, राज किया तो वो कुआ उनके काम भी आया। फिर मुझे लगता है कि यार भगवान कृष्ण यहाँ पे शैतानी नहीं कर गए, भगवान कृष्ण चाहते तो ये कुआ अमेरिका यूरोप में भी खोद सकते थे, वो तो भगवान थे कहीं खोद सकते थे, अमेरिका यूरोप में खोदते तो भाटी राज कहां करते, अमेरिका यूरोप में, ठेठ जैसलमेर में खोद के गए यार, वंशजों को यही भेजना था, कोई ढंग की जगह ही भेज देते, तो भगवान है भाई जो कर गए वो ठीक है, ऐसे चला। तो थोड़ा ये बात याद रखना आप ना, मैं वापस एक बार देखो रिकॉल करवाऊंगा आपको कि ये 1155 में जैसल ने इस किले का त्रिकुट पहाड़ी पर निर्माण करवाया था, त्रिभुजाकार आकृति में है, दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है, या रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है, पीले पत्थरों का बने होने के कारण सोने की तरह चमकता है, इसलिए स्वर्णगिरी का किला कहते हैं। अबुल फजल कहता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है, किले के निर्माण में चूने का उपयोग नहीं किया गया, छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, किले के चारों तरफ दोहरा घाघरा नुमा परकोटा है जो कमर कोट कहलाता है, 99 बुर्जे हैं, इस प्रकार ये राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, टावर होते थे दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए। सत्यजीत रे ने इस पर मूवी बनाई थी जिसका नाम सोनार किला है, 2009 में भारत सरकार इस पर डाक टिकट जारी करती है। जिनभद्र सूरी भंडार है इस किले में, जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है, वहां पर
पार्श्वनाथ जैन मंदिर बना हुआ है, जैसलोक कुआ है जिसके लिए माइथोलॉजिकल कहानी यह है कि इस कुएं का निर्माण हो वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। तो ये जैसलमेर किले की बड़ी बड़ी सी बात है। ये छह किले वो है जो विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किए गए। इनके अलावा कौन कौन से किले हैं अपने उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं किला लूं तो उधर मैं जैसलमेर से आगे की तरफ बढ़ू तो बीकानेर के अंदर एक किला आता है जूनागढ़। जूनागढ़ की कई बातें आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि किला राय सिंह ने 1589 से 94 के बीच में करमचंद की देखरेख में निर्माण करवाया था। पुराना किला बना हुआ था उसी की जगह किला बनाया गया, तो पुराने को जूना बोलते हैं इसलिए इसका नाम संभवतः जूनागढ़ रख दिया गया होगा, ऐसा दयालदास की ख्यात कहते हैं। कोई लोग ये भी कहते हैं कि राय सिंह ने गुजरात में एक जूनागढ़ नाम की जगह है वहां के किले की नकल करने की यहां पर कोशिश की थी, इसलिए भी इसे जूनागढ़ कहा जाता है। जो भी बात रही हो अपने पढ़ते जूनागढ़, तो ये तो वो बातें होंगी, राय सिंह ने बनवाया था वो बातें होंगी। बीकानेर का एक पुराना नाम राती घाटी था इसलिए इस किले को राती घाटी का किला भी कहते हैं। राती घाटी का किला भी कहा जाता है। अब बीकानेर में न तो भाई पहाड़ है, जैसलमेर में तो फिर भी पहाड़ था, त्रिकुट पहाड़ पर किला बना दिया, हालांकि है तो वो भी मरुस्थल दुर्ग, धानवन दुर्ग है अपने आप में, पर बीकानेर वाला तो सीधा सीधा एकदम जमीन पर खड़ा किया गया, कोई पहाड़ नहीं कोई और कुछ नहीं, तो एकदम जमीन पर खड़ा किया। पर आपकी मान डाकन कौन गए तारीफ की, तो हमने कहा भाई ये जमीन का जेवर है, लगता है इसे जमीन ने आभूषण पहन रखा, जमीन का जेवर। सीधा धरती पे कोई भी किला बनेगा वो चतुर्भुजाकार आकृति में ही होगा, तो ये चतुर्भुजाकार आकृति में रेक्टेंगल शेप के अंदर बना हुआ, आयताकार बना हुआ है, चतुर्भुजाकार बना हुआ है। 37 बुर्जे हैं, 37 हम पढ़ रहे थे कि जैसलमेर में 99 है जो सर्वाधिक है, इसके अंदर 37 बुर्जे हैं। किले की सुरक्षा कैसे करो, सीधा जमीन पर जब बना दिया, खाई है, अपने आप में पारिख दुर्ग का उदाहरण है। पारिख दुर्ग बनाया गया है, पारिख दुर्ग का उदाहरण है। तो रातीघाटी का किला कहते हैं, जमीन का जेवर कहलाता है, चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है, 37 बुर्जे हैं इसमें, चारों तरफ खाई है, पारिख दुर्ग कहते हैं। एक याद रखना, राठौड़ों के जो भी किले हैं उनको चिंतामणि किले कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, वो भले जोधपुर का मेहरानगढ़ हो या वो बीकानेर का जूनागढ़ हो, तो गढ़ चिंतामणि कहलाता है। राठौड़ों के किलों का नाम ही था कि उन्हें चिंतामणि किले बोलते थे। चिंतामणि नक्षत्र होता है, राठौड़ों का शुभ नक्षत्र माने गए, तो गढ़ चिंतामणि। तो ये मेहरानगढ़ वाले को भी गढ़ चिंतामणि कहते हैं, इस बीकानेर वाले जूनागढ़ को भी गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। दो तीन अच्छे अच्छे इमारतें बनी हुई, चलो इमारतें अगले पेज पे लिखो। अनूप सिंह के टाइम में एक इमारत बनी तो नाम है अनूप महल, और फिर बीकानेर के राजाओं का राज तिलक हमेशा यही करते थे, कोरोनेशन सेरेमनी हमेशा इस अनूप महल में ही हुआ करती थी। एक बना हुआ है हरमंदिर, एक बना गंगा विलास महल। ये गंगा विलास महल तो बहुत अच्छा, गंगा सिंह के टाइम का है, इतनी अच्छी नक्काशी की हुई अंदर, इतने अच्छे भित्ति चित्र बने हुए हैं, तो गंगा विलास महल याद रखें। वैसे भी याद रह जाएगा गंगा सिंह बीकानेर का राजा था तो गंगा विलास महल कहां बनेगा, बीकानेर में बनेगा। अनूप सिंह बीकानेर का राजा था तो अनूप महल कहां बनेगा, बीकानेर में बनेगा। राज तिलक वहां पर किए जाते थे, हर मंदिर बना हुआ। तीन चार बातें हैं, ज्यादा कोई बड़ी बातें हैं नहीं, कुछ बातें हमने पढ़ी ली थी। एक बात हम पढ़ ही लेते हैं कि जयमल फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है, प्रशस्ति है जो जयिता ने लिखी थी, वो सारी बातें अपने को पता है। तो रातीघाटी का किला कहते हैं, जमीन का जेवर कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि किला कहा जाता है, चतुर्भुजाकार आकृति में, 37 बुर्जे हैं, चारों तरफ खाई है, इसलिए अपने आप में किसका उदाहरण है, तो पारिख दुर्ग का उदाहरण। चलो जैसलमेर के इधर आए तो मेहरानगढ़, यूनेस्को वाले विश्व विरासत सूची में इस किले को भी शामिल कर सकते थे, मेहरानगढ़ को भी शामिल किया जा सकता था, पर उन्होंने नहीं किया। तो एक और अच्छा पर्वतीय किला जो सूची में शामिल होने से बच गया था वो अपना मेहरानगढ़। मैं अक्सर जब ऑफलाइन क्लास में मेहरानगढ़ पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को पूछता हूं कि यार इसका नाम मेहरानगढ़ क्यों है, क्या कारण है कि इसका नाम मेहरानगढ़ है। मुझे लगता है मैंने शायद हिस्ट्री की क्लास में आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं फिर यहां पर बताता हूं आपको बात, कि मैं जब बच्चों को कहता हूं इसको मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि सर ये मोर की आकृति में बना हुआ है। मैं कहता हूं एग्जैक्टली ये मोर की आकृति में बना हुआ है इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं।
यह किला मोर की आकृति में, इसलिए क्या कहलाता है? मयूर ध्वजगढ़। पर सवाल तो अधूरा है अभी तक। सवाल तो यह है कि मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं, ये तो मयूर ध्वजगढ़ हो गया। फिर कोई बच्चा खड़ा होता है और बच्चा खड़ा होकर कहता है कि सर यहाँ पे मेहरा या मेहर नाम के व्यक्ति की बलि दी गई थी। हाँ, जब भी किलों का निर्माण किया जाता था उनमें नर बलि वगैरह दी जाती थी। जैसलमेर का किला जब बनाया गया तो कहा जाता किसी भाटी की नर बलि दी गई थी। या जब भी किला बनाया गया तो राजा राम नाम के एक व्यक्ति थे, राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी नरबलि यहां पर दी, तो राजा राम की नरबलि दी गई थी। तो इसका नाम, व्यक्ति का नाम मेहर या मेहरा तो नहीं था। अब बता दो तुम, इसे मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है? बच्चा फिर खड़ा होता है और बच्चा खड़ा होकर कहता है सर ये मेहर पहाड़ी का नाम, मेहर पहाड़ी पे बना हुआ, इसलिए मैं फिर कहता हूं कि उस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक है, कि चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ। मतलब वापस बताता हूं कि जोधा जब 1453 में आंवल बावल की संधि करके मंडोर आ जाता है, उसके बाद जोधा को लगता है यार मंडोर सुरक्षित स्थान नहीं है, किसी सेफ जगह पर तो अपने को जाना पड़ेगा, और सेफ जगह कौन सी हो जहां पर अपने जाएं? तो वो जिस जगह का चुनाव करता वो चिड़िया टूंक की पहाड़ी थी। चिड़ियानाथ जी नाम के एक साधु रहा करते थे, टूंक का मतलब होता है चोटी, तो चिड़ियानाथ जी जिस चोटी पर रहते थे उस नाम को पड़ गया चिड़िया टूंक। जोधा को वो जगह पसंद आई और जोधा ने कहा कि चिड़ियानाथ जी आप यहाँ से रवाना हुई है, इस जगह पर तो मैं अपना किला बनाऊंगा। चिड़ियानाथ जी ने कहा बालक साधु को खड़ा करके किला बनाएगा सुखी नहीं रह पाएगा। जोधा जी ने कहा फिलोसफी और कहीं, आगे किला इधर ही बनाएंगे। चिड़ियानाथ जी जाते जाते श्राप दे गए कि इस किले में जो कोई भी रहेगा उसको पानी की कमी हमेशा सालती रहेगी, इस किले में जो कोई राजा बनेगा वो अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगा। चमत्कार को नमस्कार है, चिड़ियानाथ जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए। मेहरानगढ़ के जोधपुर किले के अंदर हमेशा पानी की कमी बनी रही और वहां पर जब तक राजा रहे थे वो कोई भी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाए। हालांकि जब मैं ये बात कहता हूं तो क्लास में कोई ना कोई बच्चा बोल ही जाता है सर अब देख लिया, अब देख लिया। आप में से भी हो सकता है जब मैं ये बात बोल रहा था ठीक पहले तो आपके मन में भी ठीक यही ख्याल आ रहा होगा कि सर इसका मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है, अब जो राजा है उन्होंने पोते का मुंह देख लिया है। मैं फिर क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि देखिए पहले तो मैंने कहा था कि जब तक इस किले के अंदर कोई रहेगा तब तक पोते का मुंह देख पाएगा। किले के अंदर रहना राजाओं ने बहुत पहले बंद कर दिया था, उमेद पैलेस बना लिया था, उमेद पैलेस में रहने लग गए थे। बात जहां तक रही अब की, तो अब लोकतंत्र है, अब राजा नहीं होते हैं। अमर चित्रकथाओं से जितना जल्दी कोई बाहर निकलेगा उतना ठीक रहेगा। तो अब तो किसी कोई कुछ भी श्राप फलीभूत नहीं होंगे अपने आप में, किस प्रकार हो सकता है? तो पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक। फिर बात आई कि इस किले को तो मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है। संभवतः मैंने शायद उस टाइम बताई होगी कि ये जोधा ने बनवाया था किला, जोधा राठौड़ था, राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं, सूर्य को मिहिर बोलते हैं, तो वास्तव में किले का नाम रखा गया था मिहिरानगढ़। ये सूर्यवंशी राठौड़ों का गढ़ है, ये मिहिरानगढ़ है। मिहिर का मतलब सूर्य होता है, पर वो मिहिरानगढ़ 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 बोलते बोलते हम उसको मेहरानगढ़ तक लेके आ गए। चिड़ियानाथ जी ने जब श्राप दिया कि यहां पर पानी की कमी रहेगी तो जोधा जी के हाड़ी रानी हुआ करते थे जसमा दे, उन जसमा दे ने यहां पर एक तालाब बनवा दिया था रानी सर। जोधा जी की हाड़ी रानी थे, उन्होंने यहां पर रानी सर तालाब बनवाया। राव गंगा की एक रानी हुए थे पद्मा कुमारी, उन्होंने यहां पर तालाब बना दिया पद्म सर। यार कम से कम ये पानी की कमी तो नहीं रहने देंगे। एक अंग्रेज खूब लंबे समय तक यहां पर रहकर गया था, रुडयार्ड किपलिंग। मैं फिर आपको जब राव सिया की कहानी सुनाता हूं तो रुडयार्ड किपलिंग की कई बातें बताता हूं आपको। रुडयार्ड किपलिंग वह अंग्रेज था जिसको 1907 में उसकी पुस्तक जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला अंग्रेज जिसको साहित्य का नोबेल मिला था रुडयार्ड किपलिंग था। इस किले में अपना एक लंबा समय गुजारता है, तो रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि यार इस किले का निर्माण मनुष्य ने तो नहीं किया, ये किला देवताओं तथा परियों के द्वारा बनाया गया है, मेड बाय एंजल्स एंड डेटीज। ऐसा यदि कोई बंदा कहता है तो वो बंदा कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। इसके अनुसार इस किले का निर्माण किसने किया है? देवताओं और परियों ने। यार मिनकों से तो ऐसा किला आज बने न कल बने। ये किला सूर्यवंशी राठौड़ों द्वारा बनाया गया इसलिए मिहिरानगढ़ कहलाता है, ये किला मोर की आकृति में इसलिए मयूर ध्वजगढ़ कहलाता है। इसके निर्माण के समय राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति की नरबलि दी गई थी यहाँ पे। ये चिड़िया टूंक नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है। चूंकि राठौड़ों के किले चिंतामणि गढ़ कहलाते थे इसलिए इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है।
जोधा जी की हाड़ी रानी जसमा दे ने यहाँ पर रानी सर का निर्माण करवाया था तालाब का, गंगा की रानी पद्मावती ने या पद्मा कुमारी ने यहाँ पे पद्मसर बनाया था। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार यह किला देवताओं तथा परियों के द्वारा बनाया गया है। ये कुछ मोटी मोटी सी बातें तो याद रखना आप इस किले के बारे में। फिर कुछ बातें मेरी बताई भी है, करणी माता ने इसकी नींव लगाई थी, उस टाइप की बातें बताई भी आपको। इस किले में दो चीजें, एक तो इस किले में महल कौन कौन से बने हुए, इमारतें को इमारतें लिखता हूं, ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा ना। इमारतें कौन कौन सी बनी हुई, एक इस किले में खूब सारी तोपें रखी हुई है और तोपों के नाम बड़े जोरदार लगते हैं। मैं तो इस किले के जब तोपों के नाम पढ़ता हूं मुझे लगता है क्या प्यारे प्यारे नाम रखे उन्होंने, किलकिला, भवानी, गजनी खां, शंभूबाण। ये गजनी खां और शंभूबाण तो अहमदाबाद से जीत के लाए थे। गज्जक, नुसरत, गुब्बारा, किलकिला, भवानी, गजनी खां, शंभूबाण, गज्जक, नुसरत, गुब्बारा, तोपों के नाम क्या प्यारे प्यारे से नाम रखे हुए। तो मेहरानगढ़ किले में कौन कौन सी तोपें रखी हुई थी याद रखना। महल है, खूब प्यारे प्यारे महल बने हुए, जैसे इस किले के अंदर फूल महल बना हुआ है, अभय सिंह ने निर्माण करवाया था। इस किले में एक मोती महल है, एक तलहटी महल है, सूर सिंह ने निर्माण करवाया था। इस किले में एक श्रृंगार चौकी नाम की जगह है, याद रहे श्रृंगार चौरी चित्तौड़ में मंदिर है वो, इसका निर्माण तक सिंह ने करवाया था और बाद में रूल साहब आ गए, यहां पे राजाओं का राज तिलक करते थे। तो थोड़े महलों के नाम देखना, फूल महल अभय सिंह बनवाता है, मोती महल और तलहटी महल है वो सूर सिंह बनवाता है, यहाँ श्रृंगार चौकी तक सिंह ने बनवाई थी जहां पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। एक मजार बनी हुई है यहाँ पे, भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार है। और कहते हैं भूरे खां की मजार तो किले के अंदर बनी हुई है, बीचों आप किले में चढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे चलती है। एक बार कोई राजा निर्माण कार्य करवा रहा था तब भूरे खां की मजार को हटाने की बात आई थी, राजा ने कहा हटा के थोड़ी साइड में बना दो। भूरे खान साहब रात को राजा के सपने में आए तो उसने कहा मुझे हटाया ना, मैं तुझे हटा दूंगा देख लेना। राजा ने कहा बाबूजी महाराज यहीं रहो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक मानसिंह का सेनापति हुआ करता था कीरत सिंह सोडा, गिंगोली वाले युद्ध के बाद जब जगत सिंह सेकंड ने घेर लिया था तो उस युद्ध के अंदर वो लड़ता हुआ मारा गया था, उसकी छतरी बनी हुई कीरत सिंह सोडा की छतरी है। दो मामा भांजा अपने सामंत के साथ लड़ते हुए यहां पर काम आए थे तो उन मामा भांजा की छतरी है, मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, या उनके नाम थे धन्ना और भीमा तो धन्ना भीमा की छतरी भी कहते हैं। मामा भांजा की छतरी या धन्ना भीमा की छतरी, तो ये भी तीन ध्यान रखना कि भूरे खान की मजार है, कीरत सिंह सोडा की छतरी है, मामा भांजा की छतरी है, या उसको आप धन्ना भीमा की छतरी के नाम से भी जानते हैं। कुछ बातें फिर मेरी बताई हुई, इसमें चामुंडा माता का मंदिर है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये बात आपको, मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ कि मानसिंह ने यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, इसको मान पुस्तक प्रकाश के नाम से जानते हैं। तो दो किले बड़े किले हैं भाई, ये भी याद रखना आपने, मेहरानगढ़ वाला और बीकानेर वाला जूनागढ़ जो है। जयपुर का आमेर हमने ले लिया था, मैं एक जयपुर का एक किला और लेना चाहूंगा, जयगढ़। मानसिंह ने आमेर का निर्माण करवाया था पर मानसिंह इस बात को जानता था कि आमेर में सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा सकता, तो मानसिंह ने सुरक्षा के ध्यान के लिए जो किले का निर्माण करवाया था वो किला जयगढ़ था। तो जयगढ़ का निर्माण शुरू तो मानसिंह ने करवा दिया था, निर्माण प्रारंभ किसने करवाया तो मानसिंह, लेकिन मानसिंह के टाइम में पूरा नहीं हो पाया था इसलिए निर्माण पूर्ण किसने करवाया तो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह इसका निर्माण पूरा करवाता है।
और मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण पूरा करवाया था, इसीलिए किले का नाम जयगढ़ है। वरना मैं हिस्ट्री में बता चुका हूं कि पहले इस जगह को चील का टोला कहा जाता था, इगल हिल थी, यहां पर खूब सारी चीलें रहा करती थी। इस किले को वर्तमान स्वरूप यदि किसी ने दिया था, जैसा आज दिखता है, ये यदि किसी ने दिया था तो वो था सवाई जयसिंह। तीन चीजें शुरू करवाया था मानसिंह ने, पूरा करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, इसीलिए नाम जयगढ़ है। वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सवाई जयसिंह। मैंने अभी कहा कि यह किला सुरक्षा के लिए बनाया गया था, तो वास्तव में जिस प्रकार चित्तौड़ वालों ने सुरक्षा के लिए कुंभलगढ़ बनाया था, उसी प्रकार आमेर वालों ने सुरक्षा के लिए जयगढ़ बनाया था। जिस प्रकार कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी, उसी प्रकार जयगढ़ आमेर की संकटकालीन राजधानी थी, या आमेर की संकटकालीन राजधानी हुआ करती थी। इमरजेंसी कैपिटल है, संकटकालीन राजधानी थी आमिर की। अच्छा, क्या करते थे भाई संकट से बचने के लिए ये लोग, क्या किया इन लोगों ने? एक तो इस किले में खूब सारी सुरंगें बनाई गई ताकि अचानक यदि हमला वगैरह हो जाए तो निकलने के लिए इंतजाम हो पूरे। कहते एक सुरंग है वो आमेर के किले से सिटी पैलेस की तरफ जाती है, एक सुरंग आमेर के किले से नाहरगढ़ की तरफ निकलती है, एक सुरंग आमेर के किले से जयगढ़ के किले से नाहरगढ़ की तरफ, जयगढ़ के किले से सिटी पैलेस की तरफ, जयगढ़ के किले से आमेर की तरफ। खूब सारी सुरंगें बनी हुई इसके अंदर। फिर आक्रमण होगा तो अंदर क्या पता कितने दिन तक बैठना पड़ जाए, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, पानी की टंकी, वाटर टैंक्स बने हुए इसके अंदर। फिर कहते महान सिंह अफगानिस्तान से जितना खजाना लाया था, जयपुर के राजाओं की जहां जहां पोस्टिंग रही वहां से जो जो रुपए लाए थे, धरती में गाड़े थे, यहाँ पे खजाना है, कछवाहा शासकों का खजाना यही था, पैसे तो यही रखो, संकट के टाइम में काम आएंगे, तो खजाना यहाँ पर रखा गया था। फिर संकट कब आएगा? जब आक्रमण होगा। आक्रमण में किसकी आवश्यकता? हथियारों की। यहाँ पे हथियारों का कारखाना था। हथियारों का कारखाना रखा गया। हथियारों का कारखाना बनाया गया था इसके अंदर। और फिर मैं एक बात पहले बता भी चुका हूं, मैं मजाक करता ही रहता हूं कई बार कि हथियार बनाते थे और एक बार एक तोप बनाई, बाहर निकालने लगे, लेकिन तोप इतनी भारी बन गई कि इन लोगों से बाहर निकली नहीं, तो वहीं छोड़ दी वो। उस तोप को हम कहते हैं जयबाण। सवाई जयसिंह के टाइम में वो बाण बनाई गई थी, इसलिए जयबाण तोप है। तो जयबाण तोप इसी किले के अंदर, तो जयबाण तोप रखी हुई। इस किले में जेल थी, राजनीतिक कैदियों को वहां पर रखा जाता था। सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को वहां पर गिरफ्तार करके रखा था, इसलिए इसको विजयगढ़ी बोलते थे। तो जो जेल वाली जगह है उसको बोलते थे विजयगढ़ी। विजयगढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को वहां पर गिरफ्तार करके रखा था। तो कुछ बातें याद रखना, इस किले में सुरंगें बनी हुई है, पानी के टांके हैं, खजाना है, हथियारों का कारखाना है, जयबाण तोप रखी हुई है, और सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को गिरफ्तार करके रखा था जेल में। उस जेल का नाम पड़ गया विजयगढ़ी। खजाने के लिए कहा यूं भी जाता है कि ये खजाना आमेर के कछवाहा राजा खुद भी भूल गए थे कि यहां पे खजाने जैसी कोई चीज है, पर बाद में एक बंदे को इस खजाने का पता चला, इंदिरा गांधी। कहते आपातकाल के दौरान जयगढ़ किले की खुदाई करवाई गई थी उस खजाने को निकालने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि खुदाई के अंदर कुछ भी नहीं मिला था। आधिकारिक जानकारी हमारे पास ये है कि खुदाई जरूर करवाई गई थी, पर यहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। पर कुछ जयपुर का लोकल डोकरा होता है वो बातें बताता है कि भाई साहब दो दिनों तक दिल्ली जयपुर हाईवे बंद रखा गया था। दिल्ली जयपुर हाईवे पे केवल गवर्नमेंट के ट्रक गए थे और गवर्नमेंट के ट्रक आए थे। जब कुछ भी नहीं मिला तो आपने बाकी गाड़ियों को क्यों नहीं जाने दिया? कुछ भी नहीं मिला तो ट्रक क्या क्या लेके जा रहे थे यहां से? लोग ऐसा कहते हैं कि खूब सारा धन मिला था और इंदिरा गांधी निकाल के ले गई थी। बातों के पंख नहीं होते, भगवान जाने कितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर इतना याद रहे कि आपातकाल के दौरान राजस्थान के कौन से किले की खुदाई करवाई गई थी, वो किला जयगढ़ है। ये याद रहे आप कि आपातकाल के दौरान एक्सकेवेशन करवा लिया गया था इस जगह का। मानसिंह ने निर्माण शुरू करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम में पूरा हुआ, वर्तमान स्वरूप जयसिंह ने दिया। जयपुर का संकट मोचक किला था ये, या संकटकालीन राजधानी थी। सुरंगें बनी हुई है, टांके बने हुए हैं, खजाना बना हुआ है, खजाना था इसमें, हथियारों का कारखाना था,
जेबान तोप रखी हुई है, विजयगढ़ी है जहां सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को गिरफ्तार करके रखा गया था, और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने इस किले की क्या करवा दी थी, खुदाई करवा दी थी। जब हम जयपुर के किलों की बात कर रहे हैं तो फिर एक किले पर हम आएंगे और उस किले का नाम है नाहरगढ़। ऐसा कहा जाता है कि यह सवाई जयसिंह ने मराठों से आक्रमण के खिलाफ बनाया था। यह बातें मैं हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, वैसे आपको हिस्ट्री इतनी लंबी इसीलिए हो गई थी कि वहां पर खूब सारी मैं कल्चर की बातें बता गया था आपको। तो सवाई जयसिंह ने यह किला मराठों के खिलाफ बचाव के लिए बनाया था, मराठों से बचाव हेतु इस किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, बचाव करता था, इसलिए किले का नाम पड़ा जयपुर का पहरेदार किला। जयपुर का पहरेदार किला बोलते थे इसको, सिक्योरिटी गार्ड ऐसे जयपुर का पहरा लगा रहा हो जैसे ये किला। कहते हैं कि पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, जयपुर वाले भगवान कृष्ण के भक्त गोविंद देव जी के दीवान भगवान कृष्ण के नाम पर इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था। फिर कोई एक फौजी यहां पर शहीद हुए थे नाहर सिंह, तो नाहर सिंह भौमिया जी के नाम पर इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। एग्जैक्टली वैसा ही है कि आज भी अपने आसपास में कोई फौजी यदि शहीद हो तो उनके नाम पर गांव का नाम कर दिया जाए। छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह के नाम पर उनके गांव बाणासर का नाम बदलकर शैतान सिंह नगर कर दिया गया है। कुछ वैसी ये बात कि नाम सुदर्शनगढ़ था लेकिन नाहर सिंह भौमिया जी के नाम पर नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। इसकी कुछ जानकारी मैं पहले दे चुका हूं कि जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका रस कपूर को यहां पर गिरफ्तार करके रखा गया था। माधव सिंह सेकंड ने अपनी 9 दासियों के लिए यहां पर 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवा दिया था। वो बातें भी दो आप यहीं साथ में जोड़ना, ये लिखना। बाकी चीजें सवाई जयसिंह बनवाता है, मराठों से बचाव के लिए बनवाता है, जयपुर का पहरेदार किला है, पहले सुदर्शनगढ़ कहते थे, फिर नाहर सिंह भौमिया जी के नाम पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नाहरगढ़ कर दिया गया। जयपुर वाले किले और मराठों की बात आई, फिर एक किले का जिक्र किया जाए। जयपुर से थोड़ा सा बाहर की तरफ एक गांव पड़ता है माधोराजपुरा, फागी की तरफ, वहां पर फिर एक किला है माधोराजपुरा का किला। कहते माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत के बाद इस किले का निर्माण करवाया था। माधो सिंह फर्स्ट बनवाता है मराठों पर जीत के बाद, मराठों पर जीत की याद में, इसीलिए नाम माधोराजपुरा है। एक बात याद रखने वाली है, पास में टोंक पड़ता है आगे, टोंक में अमीर खान पिंडारी हुआ था। अमीर खान पिंडारी की इधर एक ठिकाना हुआ करता था लावा, लावा पढ़ते हैं, लावा के भाइयों का एक ठिकाना हुआ करता था लदाना, और वहां का कोई एक बंदा था भरत सिंह नरुका, उसके साथ अमीर खान पिंडारी की बन नहीं रही थी। कहते भरत सिंह नरुका एक दिन अमीर खान पिंडारी की बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है, हालांकि उनको बेहद सम्मान रखा गया था, बहुत अच्छी तरीके से रखा गया था, पर अमीर खान पिंडारी की बेगमों को इसी किले में रखा गया था, माधोराजपुरा के किले में। किसने रखा था? तो उस बंदे का नाम था भरत सिंह नरुका। किसकी बेगमों को गिरफ्तार करके लेके आ गया था? अमीर खान पिंडारी। अमीर खान पिंडारी कहां का राजा था? तो टोंक। अमीर खान पिंडारी की बेगमों को यहां पे गिरफ्तार कर लिया था उसने। बेगमों को यहां पे गिरफ्तार करके रखा गया था, यह भी थोड़ा सा याद रखना। तो माधोराजपुरा का किला माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत के याद में बनवाया था। भरत सिंह नरुका अमीर खान पिंडारी की बेगमों को इस किले में गिरफ्तार कर लेता है। बस इतनी बात याद रखने वाली सी बात है, बाकी वाले किले कल पढ़ेंगे। थैंक यू।